राइए आपको सीधे लिए चलते हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और बड़े नेता राकेश टिकैत साहब इस वक्त आज तक पर लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी कह रही है कि ये बहुत बड़ी साजिश है, षड्यंत्र है, आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या आपके पास जानकारी है कि वो कौन लोग थे जो फिरोजपुर के उस फ्लाईओवर पर विरोध में खड़े थे? राकेश जी, तो 5 तारीख में एक प्रोग्राम था पूरे पंजाब ने के रखा था कि हम विरोध करेंगे, लेकिन सड़क का नहीं था, वो विरोध जगह जगह कर रहे थे। और ये किसने कह दिया कि 120 किलोमीटर और 30 किलोमीटर का सफर प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट से निकले, हवाई जहाज वो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे, कहने लगे चलो गाड़ी से। 130 किलोमीटर के सफर तो गाड़ी से होते नहीं। क्या बीजेपी पार्टी प्रधानमंत्री के पद का दुरुपयोग कर रही है? क्या उनको कहीं पे भी आप ले जा सकते हो? क्योंकि ये 2 दिन से, पिछली बार भी जब वो मेरठ गए तो हेलीकॉप्टर से जाने की बजाय हेलीपैड पे खर्चे हुए, और फिर उन्होंने कहा कि चलो गाड़ी से चल रहे, या तो 10 दिन पहले प्रोग्राम बना हुआ बिल्कुल के गाड़ी से जाना हमको, और गाड़ी से जाना चाहिए तो वहां पे बहुत से सिस्टम ठीक हो जाते हैं जब गाड़ी से जाते हैं, सारे विभाग अलर्ट हो जाते हैं। टिकैत साहब, कल का आपको मौसम पता है सर? कल बारिश हो रही थी, तेज हवाएं हो रही थी, हमारे लगातार रिपोर्टर्स भी लाइव कर रहे थे, उनको भी मुश्किलें हो रही थी। तो बीजेपी का ये कहना है कि बिपिन रावत साहब का जब से हादसा हुआ है तब से ज्यादा सावधानी बरती जा रही है, आपको एहसास है आप जो कह रहे हैं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से छोड़कर रोड से जाने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि मौसम खराब था, और आप कह रहे हैं कि नहीं, हर हाल में हेलीकॉप्टर से ही जाना चाहिए था। मैं ये कह रहा कि हेलीकॉप्टर से अगर खराब था तो 130 किलोमीटर का सफर इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए 130 किलोमीटर का। क्या बीजेपी वहां पे जब वहां कुर्सियां खाली थी सारी, जो कांग्रेस का कहना है, क्या ये स्टैंड था पूर्ण रूप से दोनों पार्टियों का कि वे जाएंगे? आप जो बोल रहे हैं सर उसमें खुद ही उलझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? मैं आपसे ये कह रही हूँ, एक सेकंड आप सुनो ना सर, सवाल सुन लो फिर आपको पूरा टाइम दूंगी जवाब देने का। मेरा सवाल आपसे ये है, ये देश की जनता कह रही है, लेकिन अगर ऐसे 130 किलोमीटर का सफर नहीं करना चाहिए तो फिर डीजीपी पंजाब ने क्यों क्लियरेंस दिया, ये भी बता दीजिए। क्यों एडीजी पंजाब ने चिट्ठी लिखकर एसएसपी को कहा था कि अल्टरनेट रास्ता तैयार रखिएगा, वैकल्पिक रास्ता रखिएगा, क्योंकि सबको पता था कि अलग अलग जगहों पर विरोध हो रहा है। एसएसपी को अब सस्पेंड भी कर दिया गया है, डीजीपी ने एसपीजी को क्लियरेंस दिया, उसके बाद वो उस रोड पर गए, और प्रधानमंत्री कई जगहों पर रोड से ऐसे सफर कर रहे हैं, तो ये सब रोक दिया जाए राकेश टिकैत जी के कहने पे? नहीं, हमारे कहने से मत रोको आप, क्यों रोको हमारे कहने से? आप हर रोज भेजो ना, और 10 दिन पहला प्रोग्राम बना के भेजो तो सारे विभाग अलर्ट हो जाते हैं, प्रधानमंत्री जी कहीं को जाएंगे तो सड़कें ठीक हो जाती है। ये हमने बहुत देखा पिछले 35 साल से, देखा कि जब भी कहीं बड़े लोग जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति जाते हैं, तो उस गांव के रास्ते, सड़कें, ये सारी चीज ठीक हो जाती है। लेकिन आप 10-15 दिन पहले प्रोग्राम दो। अरे टिकैत साहब, 4 तारीख को सर, 4 तारीख को बाकायदा उस रूट का पूरा सैनिटाइजेशन किया गया है, रिहर्सल हुआ है उसी रोड पर। अब आपको पूरी बातें पता ही नहीं है, और आप कह रहे हो उसी रोड को सर, हालात ये है कि और कुछ नहीं मिला तो प्रधानमंत्री जी को सड़क मार्ग से उनसे भेज दो, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उसको बीजेपी के प्रधानमंत्री मत बनवाओ। नहीं नहीं, सवाल ये है ना सर कि प्रधानमंत्री की सवाल जान ये है कि वहाँ पे की जान की बात है, 20 मिनट जब काफिला रुकेगा तो कुछ तो भी हो सकता है, अगर कोई अनहोनी हो जाती तो किसकी जवाबदेही होती, किसकी जिम्मेदारी होती? हमने ये कहा कि वो पंजाब सरकार की भी, अगर वहाँ पे किसान आ गए थे, कोई रूट पे किसानों का प्रोग्राम नहीं था, अगर वहाँ पे ये पता चलेगा कि प्रधानमंत्री इस रूट से जा रहे हैं और वहाँ पे किसान आ गए, तो पंजाब सरकार को यह चाहिए था कि किसानों से बातचीत करके रूट क्लियर करवा देती उनसे। तो क्यों नहीं करा? दोनों सरकारें
यही तो बीजेपी कह रही, आरोप लगा रही है कि ये साजिश है, पीएम को इस तरह से 20 मिनट वहां पर डालकर उनके जान को खतरे में डाला गया। टिकैत साहब, सर ये पूर्ण रूप से जब वे वहां से चल दिए और उसके बाद में पंजाब को होंगे कि हम चल दिए जी, रूट लगवाओ पूरा, 130 किलोमीटर की व्यवस्था वैसे ही नहीं होती। लेकिन पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई चीज हो तो उसकी व्यवस्था उनको भी रखनी चाहिए। हमने चेक को क्लियरेंस नहीं ध्यान दे रहे कि दोनों ठीक है, लेकिन दोनों वोट तलाश कर रहे हैं, खास करके बीजेपी। अब और कुछ नहीं मिला, ऐसे ही मेरठ में प्रधानमंत्री जी गए, उस दिन तो रास्ते खराब नहीं थे और 10-4 दिन पहला रूट भी नहीं था क्लियर कि बाई रोड जाएंगे। उसका पूरा डाटा आप निकाल कर देखो। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना सर कि एसपी जी को क्लियरेंस मिली डीजीपी पंजाब की तरफ से कि इस रोड पर आप जा सकते हो। कह रहा है इसकी पूरी, इस पूरे सिस्टम की जांच होनी चाहिए। यही तो मैं पूछ रही थी कि टिकैत साहब ने मुजफ्फरनगर में एक अलग जांच कर ली है क्या? है जी, यही तो मैं आपसे पूछ रही थी कि अभी तक जो फैक्ट्स आए हैं उसके मुताबिक डीजीपी पंजाब ने जो जानकारी आ रही है एसपीजी को क्लियरेंस मिलने के बाद ही वो उस रोड पर गए, लेकिन आप कह रहे हैं कि पीएम को ऐसे ही भेज दिया, तो आपने कोई अलग जांच बिठा रखी है क्या? आपको कहां से जानकारी मिल रही है कि क्लियरेंस नहीं मिला था? सब सारी जानकारी मिलती है, सब चीज होता है, जो व्यवहार होता है ना, व्यवहार से पता चलता है। जो गांव के लोग बैठे हुए हैं ना, वो सब बताते हैं। जिस दिन ये मेरठ में आए, अभी मेरठ में हेलीपैड बने, सब लोगों की तैयारी होगी और उसके बाद में बाई रोड फिर आगे मेरठ में गए, रास्ते पे गए, गांव से निकले। क्यों? आप उसका डाटा उठा के देखो, उसका खर्चा उठा के देखो, पूरा पब्लिक का पूरा उसके सर्वे करके देखो। आप अगर जाना है प्रधानमंत्री जी को तो 10 दिन पहले पूरी तैयारी करो, जोन से रास्ते को निकले कम से कम रास्ते ठीक हो जाएंगे। अरे मौसम की तैयारी कौन कर सकता है टिकैत साहब? है जी, तो मौसम की कोई जरूरत था जाना? जब मौसम खराब, 130 किलोमीटर के सफर होते हैं, तो आप कह रहे पीएम को वहीं से लौट जाना चाहिए था। फिर नहीं कैंसिल, जब वहां भीड़ थी नहीं, बीजेपी तो दावा कर रही है कि वहां पर थी, कई सारे वीडियोस वो रिलीज कर रहे हैं कि पंजाब पुलिस लोगों को जाने नहीं दे रही थी, कुछ वीडियोस वो देख रहे हैं कि जो विरोध करने वाले लोग थे वो बीजेपी के लोगों को वहां तक नहीं जाने दे रहे थे। ये दोनों का आपस में चल रहा है, इसकी जांच हो जाए, जांच होनी चाहिए इसकी पूर्ण रूप से जरूर। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आपकी नजर में बीजेपी कहती है साजिश है 20 मिनट की, कांग्रेस कह रही है कि इस बात का बतंगड़ बना रहे हैं, आप कहाँ खड़े हैं? आपको लगता है कि साजिश है, पीएम की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं है, वो प्रधानमंत्री देश के हैं। सुरक्षा में चूक हुई है तो पूरी जांच होनी चाहिए, लेकिन वे प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। ये प्रधानमंत्री के पद का दुरुपयोग एक पार्टी के लिए करा जाएगा वो नहीं है। देश की जनता इससे आहत है कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह नहीं जाना चाहिए। दुरुपयोग कैसे हो गया? मतलब आप कह रहे हैं कि उनको रोड के रास्ते से जाना पीएम का कहीं पर के लिए दुरुपयोग है प्रधानमंत्री पद का? ये हमले, ये गांव के लोग कहते हैं, ये पूर्ण रूप से बात, इतनी 130 किलोमीटर के सफर बाई रोड नहीं होते। आप हमको बताओ, 7 साल में कोई हुआ? 7 साल में 130 किलोमीटर का सफर बाई रोड हुआ कभी? तो गलती इधर है, चन्नी सरकार को आप क्लीन चिट दे रहे हैं। नहीं, हम उनको भी क्लीन चिट दे रहे हैं। हमने कहा कि इमरजेंसी में कोई चीज हो जाए तो इमरजेंसी की व्यवस्था उनको भी रखनी चाहिए, सरकार को भी। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि इमरजेंसी में पूर्ण रूप से अलर्ट रखना चाहिए अपने उसको, सिस्टम को। हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे, लेकिन दोनों लोग वे प्रधानमंत्री की कुर्सी से वोट तलाश कर रहे हैं बीजेपी वाले, और ये अपनी सुरक्षा में कोई भी इमरजेंसी हो जाए तो इनकी सुरक्षा में भी चूक है। हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे, लेकिन सब लोग देश में वोट तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पद का दुरुपयोग वोट तलाश करने में ना हो, ये देश की जनता का आह्वान है। वे प्रधानमंत्री सबके हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री, एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है।
हाँ यही यही बात है ना टिकैत साहब की, नॉन पार्टिजन होता है प्रधानमंत्री का पद, नॉन पार्टिजन होता है, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, और ऐसे में उनकी जान को लेकर हल्के में किसी को भी क्या, ये पूरा जो एक्सरसाइज रहा उसको ड्रामा कह रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, ये ठीक है ड्रामा जैसे शब्द का इस्तेमाल करना? ये कहा कि जांच पूरे उसकी हो, अगर एमरजेंसी कोई चीज हो जाए तो सरकारों की व्यवस्था है कि एमरजेंसी में सारी चीजों को, एमरजेंसी में भी तो काम करना चाहिए ना, सरकार की भी ये जिम्मेदारी थी कि अगर वे चल दिए तो अपनी व्यवस्था कर आपको